यदि आपने पाइल्स बवासीर हेमरॉइड्स मसे का ऑपरेशन किया है तो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या ऑपरेशन के बाद दर्द रहेगा, ये दर्द मामूली दर्द रहेगा या फिर ये दर्द बहुत ही भयंकर और फ्रस्ट्रेटिंग और पागल करने वाला दर्द रहने वाला है, कौन सी टेक्निक में दर्द कम रहेगा, कौन सी टेक्निक में दर्द ज्यादा रहेगा, और अगर दर्द है तो इसे कैसे ठीक करेंगे, इसके क्या इंस्ट्रक्शंस एंड टिप्स है। तो ये कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि कौन सी टेक्निक से ऑपरेशन होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका टेक्निक ऑपरेशन का स्टेपलर सर्जरी है, MIPH गन सर्जरी है, तो सबसे कम पेन MIPH स्टेपलर गन सर्जरी में रहता है। अगर आप लेजर सर्जरी कराते हो और लिगाशो सर्जरी कराते हो तो इसमें भी दर्द काफी कम रहता है, पेशेंट को एकदम फास्ट रिकवरी मिलती है और रिजल्ट्स काफी अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद दर्द ज्यादा रहता है ये टेक्निक्स में भी, क्योंकि अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पाइल से मसे बाहर आ गए हैं तो ऑपरेशन के बाद कटिंग ज्यादा होता है। अगर कटिंग ज्यादा है तो फिर घाव ज्यादा रहेगा, घाव अगर ज्यादा है तो फिर आपको पेन ज्यादा होने वाला है। घबराने की बात नहीं है, आपको ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन आपको दी गई वो आपको कंटिन्यू करनी है, एरिया को क्लीन रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, और जैसे जैसे घाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका पेन कम होते जाएगा। अगर आपने कटिंग वाला सर्जरी किया है, एक्सीजन सर्जरी किया है, धागा वाला सर्जरी किया है या फिर शार सूत्र सर्जरी किया है, तो इसमें जो पेन इंटेंसिटी रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी भयानक पेन रहता है। पेशेंट कभी कभी डिप्रेशन में आ जाता है, बैठ नहीं सकता है बराबर से और तकलीफ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये केसेस में भी आपको ऑपरेशन के बाद थोड़ा पेन किलर का डोज बढ़ाना है और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस जो मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूं इसे फॉलो करना है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दर्द के बारे में। यदि आपको ऑपरेशन हुआ है और फिर भी दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आपको गर्म पानी में सेकाई करनी है। अगर एक फ्लैट टब में हल्का गर्म पानी में आप पानी में 5 मिनट बैठते हो, खास करके टॉयलेट के पहले बैठते हो, तो टॉयलेट करने के टाइम भी दर्द कम होएगा और टॉयलेट के बाद वापस आपको 5 मिनट बैठना है, जिससे आपको दर्द में कंप्लीट राहत मिलेगी। ये पानी में डेटॉल, सेवलॉन या ऐसा कोई पदार्थ यूज मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको जलन ज्यादा होगी, चचराहट ज्यादा रहेगी और फिर दर्द बढ़ जाता है। सेकेंड जो उपाय है वो कुछ ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, जैसे कि मार्केट में इनोब्लिस, फिडोनल, स्मूथ, क्रीमाजिल, ये सब जो ऑइंटमेंट्स मिलते हैं इसमें लिग्नोकेन और निफेडिपिन रहता है, जिससे आपको टॉयलेट के बाद जो एनल कैनल के एरिया में अगर आप अप्लाई करते हो इंटरनली तो पेन तुरंत कम हो जाएगा। बाकी कुछ मेडिसिन हमेशा आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, जैसे कि वोवेरान है, अल्ट्रासेट है, कुछ बेसिक पेट साफ करने की सिरप्स है जिससे टॉयलेट नरम होगा और इसके कारण भी आपको दर्द कम रहेगा। ऑपरेशन के बाद लंबे टाइम तक दर्द होना भी कभी कभी पॉसिबल हो सकता है 2-3% लोगों में। ये ऐसा होता है क्योंकि इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है खरोच में, या तो कोई कोई जगह पे घाव बराबर से भरता नहीं है। अगर आपको टॉयलेट के बाद फिर भी पेन रहता है और ऑपरेशन के बाद 1-2 महीने से ज़्यादा आपको तकलीफ रह रही है तो वापस आप अपने डॉक्टर को बताइए या फिर आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन के बाद दर्द कितना रहता है, कैसे रहता है और कौन से टेक्निक्स में कम रहता है। वीडियो पसंद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो हम हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको सही जवाब देने के लिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। पाइल्स बवासीर मसे के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल सबसे सेफ एंड रिलायबल हेल्थ टिप्स के लिए।